नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। शोभा जिले के बड़ौदा तहसील पर वशी मंडी प्रांगण में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। बता दें कि कुछ दिन पूर्व किसानों ने ग्राम चंद्रपुरा में केंद्र सरकार के द्वारा किसान विरोधी विधेयक को लेकर चक्का जाम किया था। किसानों के ऊपर प्रशासन द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको लेकर कृषि उपज मंडी बड़ौदा में महापंचायत बुलाई गई, जिसमें विधायक ने जमकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। कोरोना बताकर विधानसभा में जाने से रोक दिया, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं, मैं किसानों के लिए मरते दम तक खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा, अगर मैं विधानसभा में होता तो मुजरी डैम, बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, किसानों पर हुई झूठी FIR के बारे में पूछता, मगर राज्य सरकार ने कोरोना बताकर मुझे रोक दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के ट्वीट को लेकर भी विधायक ने जिक्र किया। इस अवसर पर किसान स्वराज संगठन के जिलाध्यक्ष राधेश्याम मुंडला, योगेश जाट, रामलखन हिरनीखेड़ा, अतुल चौहान, राजेंद्र मीणा, जसवंत पछेरी, बंटी जाटव किसान नेता मौजूद रहे। किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया अलगावड़ा, शांति तरीका से, अनुशासित तरीका से अपनी मांग को लेकर किसान ने प्रदर्शन किया। प्रशासक और सरकार ने मनमानी तरीके से या राजनेताओं के इशारा पे किसानों के साथ FIR किए, उसके लिए आज हमने किसान एकत्रित होकर और थाना का घेराव किया और यहाँ के अधिकारी, तहसीलदार, SDM, थाना प्रभारी, इन लोगों ने हम किसान भाइयों को आश्वासन दिया कि जो आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई वो हम 15 दिन में इसको वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवा के ख़त्म कर देंगे। वो आश्वासन हमने माना। अगर 15 दिन के अंदर FIR को वापस नहीं लिया या FIR पे ER नहीं लगाई तो आपके आंदोलन हमारा, जैसा कि आपको मालूम है सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, कि किसानों के विषय में 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है, केंद्र सरकार, और उनको संसद के राज्यसभा और लोकसभा में पारित करवा लिया है। वो तीनों अध्यादेश किसानों को अपने हितों के खिलाफ लगते हैं, किसानों के लिए एक तरह से फांसी का फंदा है, और आम जो बाज़ार का उपभोक्ता है, जो किसी किसानों की उपज को, अनाज को इस्तेमाल करता है, उनको भी बहुत ज़्यादा महंगाई देंगे। उसके विरोध में हमारे पीछे 20 तारीख को किसान महापंचायत थी, तो उसमें कोविड महामारी के तहत जो है एक 144 धारा प्रशासन ने कोविड का आलम्बन लेते हुए एक दिन पहले हमारे आंदोलन के लिए लगाई थी, जो कि आंदोलन को रोकने के लिए थी दरअसल, लेकिन किसानों ने अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए, अपनी मांगों को व्यक्त करने के लिए आंदोलन किया, तो बड़ौदा पुलिस ने उसके ऊपर 5 लोगों को नामजद और 50-60 जो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उन मुकदमों को वापस लेने के लिए आज विरोध स्वरूप बड़ौदा अनाज मंडी में किसानों ने एक पुनः जो है बड़ौदा थाने का घेराव का कार्यक्रम किया था, उसमें किसानों की सभा अनाज मंडी में हुई और उसके पश्चात थाने पर आके SDOP महोदय को अपना ज्ञापन दिया है SP साहब के नाम, और उसमें मांग की गई है कि ये जो किसानों पर मुकदमे किए हैं अनावश्यक हैं, गैर जरूरी हैं और राजनीति से प्रेरित हैं, इनको वापस लिया जाए और किसानों को जायज़ तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों को लड़ाई लड़ने के लिए उनको स्वतंत्र रखा जाए। कितने दिन का आश्वासन मिला? 15 दिन का आश्वासन SDOP साहब ने दिया है कि लगभग हम 15 दिन के अंदर आपकी समस्या जो है उसका जो भी निराकरण है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, प्रयास करेंगे खुद में वापस हो जाए या जो भी स्थिति होगी आपको बताएंगे। और हम किसानों का इस बारे में ये निर्णय है कि अगर 15 दिन में